लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि जब हम ब्रांड से वो कनेक्ट कर रहे होते हैं ईमेल्स के थ्रू, तो एक हमारे पास स्क्रिप्ट थी ईमेल आउटरीच की जिसको हम यूज कर रहे थे। तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि आप किस तरह से उसको ईमेल मॉडिफाई कर सकते हैं और उनके साथ कॉन्टैक्ट के लिए यूज करें। इसी तरह से हमारे पास और भी डिफरेंट काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ग्रुप में भी आपको एक फाइल शेयर कर दूंगा जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप वो सेम वही कॉपी पेस्ट ना करें, उसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें, वर्डिंग चेंज कर लें। सर ठीक है, आप फाइल में आपको सेंड कर दूंगा। ईमेल फॉर्मेट की ही मैं बात कर रहा हूँ, जो मेल स्क्रिप्ट है बेसिकली ईमेल टेम्पलेट्स, वो आज लेक्चर के बाद में आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। तो ठीक है, ये एक फाइल है मेरे पास होल सेल अकाउंट ओपनिंग की। ये एक जेनेरिक सा एक टेम्पलेट या फॉर्मेट आप इसको कह सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टेम्पलेट है वो इसमें आपको टाइटल दिया हुआ है होल सेल ओपन अकाउंट का, इसको आप एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो आपको वहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखना होता है, तो आप वहाँ पर ये इसका टाइटल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पता है उसके जो ईमेल है वो किसी अगर पर्सन के नाम से ईमेल होगी तो आप उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज आप सिर्फ यहाँ पर हाय ही लिख दें तो वो इनफ है, हाय हेलो या ग्रीटिंग्स और उसके बाद जो भी लिखना। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आई एम अ बार्स एजेंट, और यहाँ पर आप अपनी जो कंपनी होगी आप उसका नेम लिखेंगे, अगर यूके में है तो आप साथ LTD भी लिखेंगे अपनी कंपनी के नेम के साथ, और अगर US की है तो साथ आप LLC यूज़ करेंगे कंपनी के नेम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना कंट्री लिखेंगे, आपको जिस तरह हमने कल भी एक टेम्पलेट में देखा था कि आप सिटी और कंट्री को लिख रहे थे तो यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद है आई वुड लाइक टू ओपन अ होलसेल बायर अकाउंट विद यू, और उसके बाद आप वो जो अमेजोन पे जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इस ब्रांड से, आप उसका लिंक कॉपी करके उनको यहाँ पर दे देंगे कि आपकी ये वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं आपके साथ बिजनेस करने। ठीक है, तो उसके बाद आप उससे रिक्वायरमेंट्स पूछ लेंगे कि होलसेल अकाउंट ओपन हमने करना है आपके साथ, तो आप क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, तो होपफुली आपको जो है उनका रिस्पॉन्स इस ईमेल से आ जाएगा। ठीक है, आप जब ईमेल करते हैं फर्स्ट डे तो आपको वेट करना होता है एटलीस्ट 24 आवर्स या 3 डेज का मैक्सिमम है कि आपने वेट करना होता है। ठीक है, अगर आपका इतना टाइम नहीं है तो आप इसको वेरी नेक्स्ट डे आप दूसरी ईमेल कर सकते हैं, मतलब विदिन 24 आवर्स या आपको सेकेंड ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं जो कि फॉलो अप के नाम से होता है। एक दिन आप इनको ईमेल सेंड करेंगे फर्स्ट ईमेल जो होगी आपकी, और नेक्स्ट डे आप उनको फॉलो अप फॉरवर्ड कर देंगे। अब जो आप फर्स्ट ईमेल सेंड करेंगे वो आप ये वाली सेंड करनी है जो हमने कल डिस्कस की थी, आप वो सेंड कर सकते हैं, या डिफरेंट और भी यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, आप जो आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज करें। अच्छा, अब फॉलो अप में क्या होगा, सेम उसी तरह से जो अगर आपको कॉन्टैक्ट नेम पता है तो आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप सिर्फ ग्रीटिंग्स यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद आप उनसे पूछेंगे अगर आपको हमारी पिछली ईमेल रिसीव हुई है तो पढ़ने में रिस्पॉन्स करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए आपका क्या प्रोसेस है, और अगर आप ये हमारी ईमेल्स आपके स्पैम में जा रही हैं या अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम 1 या 2 दिन में आपको कॉल करके आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे और उनकी पावर, अगर उनकी फर्स्ट मेल उनको ये इग्नोर हो गई है या किसी तरह से उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सके हैं, तो होपफुली उनको जो फॉलो अप जाएगा तो उस पर आपको वो रिस्पॉन्स दे देगी। ठीक है, ये हो गई एक जनरल सी बात, आप फर्स्ट मेल सेंड करेंगे उसके बाद उनको आप फॉलो अप सेंड कर देंगे इन केस के अगर उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है इस ईमेल पर। आपने ये वाली ईमेल सेंड की, आपको 1 दिन 2 दिन रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप ये वाली ईमेल सेंड कर देंगे। ठीक है,
अगर इस पर भी आपको ज़्यादा टाइम हो गया है और कोई रिस्पॉन्स नहीं रिसीव हो रहा, तो उसके बाद आप कॉलिंग की तरफ जाएंगे, आप उनको कॉल करेंगे, ठीक है। और कॉल का भी जो टेम्पलेट या स्क्रिप्ट है, वो इंशाल्लाह भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप ये ईमेल सेंड करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, हमने डायरेक्ट अमेजोन की बात कर दी है कि हम ये वाली प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं आपसे, जिसका लिंक ही है जब, और अगर वो लिंक ओपन करेंगे तो सीधा आप उसको अमेजोन के पेज पर लेकर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब अमेजोन के पेज पर जाएगा तो कुछ ब्रांड्स या मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली मना कर देते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए या रिसेलिंग परमिशन देने के लिए। वो इसलिए होता है कि वो अलाउ ही नहीं कर रहे होते न्यू सेलर्स को कि वो अमेजोन के ऊपर आकर हमारी प्रोडक्ट्स को सेल करें या वहाँ पर हमारा ब्रांड सेल करें। तो इन केस अगर आपको इस ईमेल पर रिस्पॉन्स आता है कि हमें कोई भी अमेज़ॉन सेलर मज़ीद नहीं चाहिए या हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप ये एक टेम्पलेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नो मोर अमेज़ॉन सेलर्स का अगर आपको रिस्पॉन्स आता है, सब्जेक्ट आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लेंगे, होलसेल अकाउंट ओपनिंग ही यूज़ कर लें या ट्रेड अकाउंट रजिस्ट्रेशन या आप जो यूज़ करना चाहें, उसके बाद आप इस तरह से वो ग्रीट करेंगे। तो उसके बाद आप कहेंगे कि ठीक है, समझ आती है कि आप अमेजोन सेलर से नहीं देख रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, अमेजोन सेलर्स आर एज योर सेलर्स विल नॉट हेल्प, बट रादर इट्स ऑल अबाउट द राइट सेलर्स, ठीक है। यहाँ पर आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको अमेजोन पर सेल करना क्यों ज़रूरी है, अगरचे आपके पहले से बहुत सारे सेलर्स आपकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट तरीके से बेच रहे हैं, लेकिन अमेजोन एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपके जो वेल नोन ब्रांड है हम इसको प्रमोट करेंगे। इसके अलावा हम थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भी जाएंगे, तो ये कुछ बातें आप उनके साथ करेंगे। आपकी लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मोस्ट ट्रिकीएस्ट या टफेस्ट पार्ट जो है होलसेल के अंदर यही होता है कि जब आपने अप्रूवल करवाना होता है, और यहाँ पर जितनी ज़्यादा आपकी कन्विंसिंग पावर होगी, जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी, इतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस के चांसेस होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, तो आप ये उनको बताएंगे उस ब्रांड को कि आपके जो सेलर्स हैं वो प्रॉपरली आपकी जो लिस्टिंग्स हैं अमेज़ोन पर वो मैनेज नहीं कर रहे, और जो आपकी सेल्स हैं वो कम होती जा रही हैं, और आपका जो ब्रांड इमेज है वो ख़राब हो रहा है। अब ऑफकोर्स जो ब्रांड है वो सेल तो हो रहा है अमेज़ोन पर, क्योंकि हम जब हंटिंग की है हमने, तो वो ब्रांड और वो जो प्रोडक्ट हमने देखी है वो ऑफकोर्स हम उसी अमेज़ोन से ही ले देख कर आए हैं, और अमेज़ोन जो हंटिंग हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर हम मिनिमम 4 सेलर देख रहे हैं। हमें पता है कि 4 से ज़्यादा सेलर इस ब्रांड को सेल कर रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स अप्रूवल लेकर ही सेल कर रहे हैं। तो अगर हम तो इनको कन्विंस करने की कोशिश करें तो वो हमें अकाउंट दे सकते हैं, तो हम इसलिए इसको थोड़ा सा कन्विंस करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो क्या हम उनको ये बताएंगे कि आपके जो पहले सेलर्स हैं वो कुछ काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, और ये हमने ऐसी बात नहीं, जहाँ भाई बात नहीं छोड़ देनी, इसको हमें प्रूव भी करना होगा। उसके लिए हम अमेजोन के जो हम यहाँ पर डिफेक्ट्स बता रहे हैं कि वो लिस्टिंग को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो हम जाके स्क्रीनशॉट्स लेंगे और ब्रांड को सेंड करेंगे कि देखिए आपके रिव्यूज़ इस तरह से नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, आपकी रेटिंग डाउन जा रही है, सेल्स आपकी कम हो रही है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि नन ऑफ ब्रोकन सेलर आर रिप्लाइंग नेगेटिव रिव्यूज़। अगर जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उनको, जो पहले से 5-6 सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपकी इस वजह से रेटिंग इम्प्रूव नहीं हो रही है और जो ब्रांड इमेज है वो डाउन होता जा रहा है। इसके अलावा लिस्टिंग जो है वो वेल यूटिलाइज नहीं है, 8 इमेजेस होनी चाहिए, जो अगर आप प्राइवेट लेवल से आप फेमिलियर हैं तो आप पता होगा जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। होलसेल में हमें लिस्टिंग नहीं क्रिएट करनी होती है, हम जाके मीटू करते हैं या पिगी बैग जिसको कहते हैं, तो वो इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे कि इसलिए आप लिस्टिंग को मीटू कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी जो लिस्टिंग है उसमें जो 8 इमेजेस का आपके पास ऑप्शन है उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, और जितनी ज़्यादा इमेजेज होती हैं उतनी ज़्यादा कन्वर्जन जाती हैं, मतलब यहाँ पर आपने बस कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि किसी तरह से वो ब्रांड आपको बात मान ले, आप पसंद ले, ठीक है। और यही काम हमें कॉल्स पे भी करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो एयरटेल इज नॉट कस्टमर फ्रेंडली एंड लैकिंग मैनी की फ्रेजेस कस्टमर, ठीक है।
आप बताएंगे कि टाइटल में ये इश्यूज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो हमारा बायर या कस्टमर है वो सर्च करके आना चाह रहा है, उसमें वो शो नहीं हो रहा है, उसके रिजल्ट्स में वो नहीं आ रहा, आपका जो लिस्टिंग है। ठीक है, इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स जो हमारे अमेजोन के ऊपर होते हैं वो आपको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, उसमें जो मेन फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के वो सही से मेंशन नहीं है। इसके अलावा बैटरी ड्राइव और डिस्क्रिप्शन भी आपकी जो है वो EBCA कंटेंट होता है, और इसके अलावा अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप इसको ब्यूटीफुल वेब पेज या मैगजीन स्टाइल में ग्राफिकल लेआउट से भी आप इसको शो करवा सकते हैं, जिसके एक कन्वर्जन जो होती है वो इंक्रीज होती है ब्रांड की इमेज भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, और अनलाइक योर करंट सेलर हु सीम टू नो हाउ और नॉट केयर टू फेस द अबव, वी डू ऑल ऑफ द अबव एट नो चार्ज। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी अपनी वैल्यू वहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हमने ऊपर जो आपके डिफेक्ट्स हैं जो कि पहले से सेलर्स बैठे हुए हैं वो इसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको विदाउट एनी चार्ज आपके ब्रांड के लिए हम आपको फ्री करके देंगे। और योर करंट सेलर्स अबाउट आर रियली हेल्पिंग टू इम्प्रूव योर ब्रांड इमेज एंड इंक्रीज सेल्स। तो यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा डिफेक्ट्स होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके जो पहले से सेलर्स हैं वो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं और आपका ब्रांड इमेज इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, तो होपफुली आपको इस पे वो आंसर करेंगे और आपकी वो कम्युनिकेशन होगी वो फर्दर हायर अथॉरिटीज के पास जाएगी, मैनेजर या ओनर तक भी समटाइम्स आपको बात करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, और उसके बाद एक सप्लायर के लिए एक जेनेरिक टेम्पलेट है कि आप जब ये ऊपर वाले थे ब्रांड्स के लिए जो हमने कल देखा था वो भी आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सप्लायर क्योंकि एक डिफरेंट उसका क्राइटेरिया होता है, वो डिफरेंट ब्रांड्स को सेल कर रहा होता है, तो हम उसके लिए थोड़ी सी स्क्रिप्ट को अपना मॉडिफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका जो नाम है और आप यहाँ पर ओनर लिख लें, या आपका आपका जो आपका रोल होगा मैनेजर या सेल्स एजेंट या कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी नेम लिखेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे बिजनेस आपका कब से चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आप बेसिकली करते क्या हैं, और यहाँ पर अपना वेबसाइट का भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हम अपनी रिटेल वेबसाइट चलाते हैं, इसके अलावा हम डिफरेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भी सेल कर सकते हैं अगर आप अमेजोन का नाम नहीं मेंशन करना चाहते हैं। बेटर यही है कि आप स्टार्टिंग में अमेजोन का नाम ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि तो जैसे ही अमेजोन का नाम देखते हैं तो आपको मना कर देते हैं। ये उसके बाद आप बताएंगे कि मैंने आपकी प्रोडक्ट देखी है जिसको हम खरीदना चाहेंगे, आप हमें आपको कैटलॉग प्रोवाइड करें, और अगर हम आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आप होलसेल या ड्रॉपशिपिंग ऑफर करते हैं ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद एक ओल्ड टेम्पलेट है ब्रांड इम्प्रूवमेंट ईमेल के हवाले से, इसको आप देख लेंगे, ये एक हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया तो इसको नहीं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने कॉलिंग की तरफ। कॉलिंग पे रियल टाइम आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है और क्विक रिस्पॉन्स ही होते हैं, वहाँ पर आपको जो भी आपकी क्यूरीज होती है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू ईमेल। ठीक है, तो मैं अभी आपके साथ कॉलिंग का भी एक शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर है आपको, हो रही है? ठीक है, कॉलिंग से स्क्रिप्ट है ये बेसिकली, इसमें आप इस तरह से जब आप उनसे कॉल पे बात करेंगे तो सबसे पहले आपने उनसे कोई हेलो हाय करनी है, हाल चाल उनमें है, थोड़ा सा बात आगे बढ़ाने के लिए, और उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज योर नेम एंड हु आर यू,
अपने बारे में बताएंगे, थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा वही है, यू कैन पुट अ लॉट ऑफ वेरिएशंस एज इट इज, आपने वहाँ पर बोलना नहीं है, अगर मैं आपको ये सभी प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में तो आपने इसी को पढ़ना नहीं है कॉल करके, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो वेरिएशन है, आप यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल भी दी हुई है, आप किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने आप पॉइंट की तरफ आएंगे कि आर लुकिंग थ्रू योर वेबसाइट एंड इट इज सो इजी टू मेंटेन। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मक्खन लगा रहे हैं उनको कि मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट की हैं, उनमें से आपकी वेबसाइट हमें बहुत अच्छी लगी है, और आप मुझे ये बता दें काइंडली कि आप ऑनलाइन सेलर्स के साथ काम करते हैं या नहीं करते हैं। और ये चीज़ें क्योंकि आप कॉल पर बात कर रहे होंगे तो आपको खुद ही बता देंगे कि हम ऑनलाइन से काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर वो येस कहते हैं तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपने उनसे पूछने हैं, इन केस अगर वो येस करते हैं, अगर वो नो करते हैं तो बात ही ख़त्म हो गई ना। लेकिन नो मुश्किल है, नो नहीं होगा क्योंकि आप देख कर आए हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स या उनका जो ब्रांड है वो ऑलरेडी ऑनलाइन सेल हो रहा है, तो आपको पॉसिबली येस ही रिस्पॉन्स मिलेगा, और येस मिलेगा तो आपने उनको कहना है कि आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, जिनको आप अपना एक रिकॉर्ड बनाएंगे और इनको आप नोट करते रहेंगे कि इस ब्रांड का क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि क्या आप डायरेक्टली अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स में शिप करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, और इसके अलावा आपके MOQ या MOA कोई है या नहीं है तो वो भी काइंडली ब्रीफ कर दें। MOQ होती है मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी, या कुछ ब्रांड्स की लिमिटेशन होती हैं कि आप एटलीस्ट हमसे फर्स्ट टाइम पे $1,000 या $2,000 या $500 की आप फर्स्ट इन्वेंट्री हमसे ऑर्डर करें, ठीक है। और सॉरी MOA था, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट इतनी की नहीं, और MOQ होती है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि आप एटलीस्ट इतनी प्रोडक्ट्स या इतने पीसीज या इतने यूनिट्स हमसे विजिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे कि क्या हम अगर MOQ और MOA बता देते हैं और आपको लगता है कि ये MOA या MOQ बहुत ज़्यादा है तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि कैन वी टेस्ट विद स्मॉल ऑर्डर्स, अगर हम छोटे ऑर्डर से स्टार्ट लेना चाहें तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेंगे कि आप इस ब्रांड के अथॉराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं है। और उसके बाद आप एक मेन चीज़ जो है आप उनसे ये कंफर्म करेंगे कि आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो कैटेगरी को एनगेट करने के लिए अमेजोन पे एक्सेप्टेबल हैं या नहीं, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो नो कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है। और अगर आप वो आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बताता खुद कि वो अथॉराइज्ड है या नहीं है तो आप ब्रांड को कॉल करके इनका रेफरेंस दे के कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका ये अथॉराइज है या नहीं, और ब्रांड आपको मोस्टली बता दिया करते हैं। इसके अलावा आप पूछेंगे डू यू हैव इन्वेंटरी लिस्ट कंटेनिंग प्राइस एंड UPC कोड्स, ये बेसिकली प्रोडक्ट फीड या प्रोडक्ट कैटलॉग आप कह लें जो हम उनसे पूछ रहे हैं, जिसको हम बाद में स्कैन करेंगे। और वॉल्यूम प्राइसिंग या प्राइस टीयर्स का आप इनसे कन्फर्म कर लेंगे कि उनके जो प्राइस हैं या प्राइस टीयर्स हैं वो किस हिसाब से हैं, और क्या आप सिर्फ न्यू कंडीशन की प्रोडक्ट सेल करते हैं, यूज्ड या रिफर्बिश्ड जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप सेल करते हैं या नहीं। और इसके अलावा आप पूछेंगे कि डू यू वर्क डायरेक्टली विद दिस ब्रांड, और इनसे आप पूछेंगे कि आप इस ब्रांड के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, और इसमें आपको ये देखना है कि नो B2B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस और फिर बिजनेस टू बिजनेस, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस होना चाहिए। और उसके बाद आप पूछेंगे डू यू प्राइमरी वर्क विद बिजनेस टू बिजनेस और अमेजोन सेलर्स, और हाउ मैनी अमेजोन सेलर्स यू वर्क विद ऑप्टिमल यू कैन आस्क, ये इसमें आप लाजमी नहीं है कि आप ये कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इनको बता चुके हैं अमेजोन के बारे में, तो आप इनको पूछना चाहें या ना तो याद कर दीजिए। उसके बाद है इफ द सप्लायर टेल्स यू दे डू नॉट वर्क विद ऑनलाइन सेलर्स आफ्टर देन व्हाई नॉट एंड एड्रेस देयर पेन पॉइंट, ठीक है। अगर आपको वो इंक्वायर कर देते हैं कि हम ऑनलाइन या अमेजोन सेलर्स नहीं चाहिए हमें, तो
आप जिस तरह से हमने ईमेल में किया था, हम उनको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता रहे थे, आप उसी तरह से यहाँ पर भी थोड़ा सा उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप पेन पॉइंट उनको एक्सप्लेन करेंगे। और पेन पॉइंट क्या है, इनएक्सपीरियंस सेलर्स किलिंग द प्राइस, के प्राइस वार चल रही है बहुत ज़्यादा। आपका एक सेलर जो है वो 22 पे सेल कर रहा है, दूसरा सेलर आपका 18 या 17 पे सेल कर रहा है, तो इस तरह से आप उनको बताएंगे। तो यू कैन अश्योर देम ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिट, और आप उनको ये बताएंगे कि हम आपकी जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे और अच्छी एक ब्रांड की रेपुटेशन बनाएंगे। तो जैसे ईमेल में लास्ट में देखा है, जो बिल्कुल उसकी तरह से। तो उसके बाद अगर वो स्टिल आपके सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं आपकी रिकमेंडेशंस के साथ, फिर आप उनको कुछ और बातें भी हैं जो यहाँ पर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ दे विल मैक्सिमाइज रिस्क बाय एडिंग यू एज अ सेलर इफ द सप्लायर इज द ओनली वन ऑन द लिस्टिंग बिकॉज इफ दे आर सस्पेंडेड। ठीक है, इसमें आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि जब आपको वो ऐड कर लेंगे अपने साथ, तो उनका जो रिस्क होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि एक सेलर उनका और बढ़ जाएगा। और क्योंकि सप्लायर एक ही है जहाँ से वो सोर्सिंग कर रहे हैं, वो लिस्टिंग भी एक ही है, और अगर वो सस्पेंड हो जाती है तो कम्प्लीटली जो सेल्स होंगी वो स्टॉप नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है और दिस इज़ वेयर यू कैन ऑफर पीपीसी ऑप्टिमाइजिंग लिस्ट। और यहाँ पर आप ये भी ऑफर करवा सकते हैं कि हम आपके लिए फ्री में पीपीसी चलाएंगे। होलसेल में बेसिकली ऐसा बहुत कम होता है जब हम पीपीसी रन करते हैं, लेकिन होलसेल में भी काफ़ी पीपीसी चला सकते हैं। और ये इसके लिए आपको जो है थोड़ी सी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपकी जेब से ब्रांड को, लेकिन अगर बनाना है तो आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, और हाउ यू विल बी सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन मल्टीपल मार्केट प्लेसेस टू इंक्रीज सेल्स नंबर्स। ठीक है, पीपीसी के बारे में बताएंगे और उनको आप बताएंगे कि आप किस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सेल करेंगे, उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़ाएंगे और उनके रेपुटेशन जो होगी ब्रांड की उसको आप इंक्रीज करेंगे। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि जो अनऑथराइज सेलर्स हैं लिस्टिंग पे, वो जो विदाउट परमिशन सेल कर रहे हैं, उसके बारे में आप उनको बताएंगे। और ये मोस्टली ज़्यादा काम करता है ब्रांड को राजी करने, इससे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा इफ़ यू ऑल्सो ऑफर साइन अ मैप एग्रीमेंट फॉर द मैप रिलीज दैट द प्राइस विल नॉट बी गोइंग डाउन। इसके अलावा आप उनको सजेशन दे सकते हैं कि आपके लिए मैप पॉलिसी एक आपके साथ शेयर कर लें। मैप बेसिकली मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस होती है जो कि ब्रांड आपको देता है कि आप इस प्राइस से कम सेल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आप प्रोडक्ट है जो $40 की है, तो जितने भी सेलर्स होंगे उसमें वो 40 और 21 और 19 इसके नीचे नहीं जा रहे होंगे, कुछ सेंट्स का डिफरेंट होगा। ठीक है, अदरवाइज उनकी प्राइसेज होंगी वो सेम होंगी। अगर अभी भी कोई चीज़ नहीं काम कर रही है, अभी भी आपके कोई उनमें नरमी नहीं नज़र आ रही है, सॉरी, ठीक है, अगर ये भी कोई भी काम नहीं करती है, तो आप उनमें से कुछ पंच क्लाइंट यूज करेंगे जो कि वीक पॉइंट्स होंगे उनकी लिस्टिंग्स के अंदर। आप उनको सेलर इज प्रोवाइडिंग द वैल्यू, कि कोई भी सेलर जो है पहले से सेल कर रहा है वो आपके ब्रांड को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, वो प्राइस को किल किए जा रहे हैं, वो जस्ट अपनी सेल्स के चक्रों में पड़े हुए हैं, वो ब्रांड को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इस तरह से आप थोड़ी सी बातें मुझे बता सकते। इसके अलावा देयर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द लिस्टिंग क्वेश्चंस, के कोई बायर आया, कस्टमर ने कोई क्वेश्चन किया, उस पर किसी ने कोई आंसर नहीं किया हुआ। और ये सारा आप होमवर्क खुद करेंगे, आपको जो प्रोडक्ट आपने परचेज करनी है उसको जाके आप उसकी लिस्टिंग की एनालिसिस करेंगे। देयर नॉट वर्किंग ऑफ द ब्रांड प्रेजेंस, दे आर नॉट रिमूविंग और टेकिंग केयर ऑफ नेगेटिव रिव्यूज ऑन द लिस्टिंग। और इसी तरह से नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारे सेलर्स अपनी सेल्स में पड़े हुए हैं। और दे आर नॉट हेल्पिंग द टाइटल, टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से उनको नहीं किया गया। दे आर नॉट रनिंग एनी पेड एड्स टू ग्रो सेल्स, और कोई पीपीसी भी नहीं चला रहा है, और जो कि हम आपको करके देंगे विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जिनमें आपको होपफुली चांसेस हैं कि आपका जो अकाउंट है वो उस ब्रांड के साथ ओपन हो जाएगा।